9 साल बेमिसाल एक और बार मोदी सरकार। अब की बार दिल्ली बहुत दूर है मोदी जी के लिए। मोदी क्यों आएंगे? ये मोदी जी का काम बोलता है। देखिए वोट काटने के लिए ही तो बना है INDIA। कौन आएगा फिर? मोदी नहीं आएगा, आएगा कौन? आएगा तीसरा विपक्ष। मैं राहुल गांधी की प्रोफाइल कभी ओपन नहीं करती। हाँ। इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहती हूँ, वहाँ पे मैं मीम्स देखती हूँ उनकी, जो कहते हैं ना आटे को लीटर के भाव में। की बात करते हो, आज से 9 साल पहले मिनिमम वेज कितनी थी, आज की डेट में मिनिमम वेज कितनी है? अर्थव्यवस्था की बात करिए, ग्लोबल स्टेट पे विश्व गुरु बन रहा है अपना देश। देखिए गरीब की बात जहाँ तक रही तो एक उदाहरण दिया जाता है, सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है। गरीब कभी भी अपने आप को गरीब नहीं कहता, वो जितना उसके पास रहता है वो संतुष्ट रहता है। बेरोजगारी एक फालतू बात है। इस चीज पे मत जाइए, आप इस चीज पे जाइए कि हम लोग बहुत भाग्यशाली है, पैसे दे के भी हमें खाने को मिल रहा है। पैसे के खाने के लिए नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा, बाबू जी ने सीधा बेरोजगारी में बात काट दी, बेरोजगारी को सीधे उन्होंने खारिज कर दिया। इसमें क्या पिक्चर दिखाई दे रहा है अभी से? बहुत अच्छी पिक्चर आएगी जी। मोदी जी दोबारा पूर्ण बहुमत से आएंगे, उससे भी ज्यादा सीट त्रिबारा आएंगे और अच्छी सीटों से आएंगे। क्यों आएंगे मोदी? क्यों आएंगे? ये मोदी जी का काम बोलता है। आज मोदी जी के आने से 9 साल के अंदर जिस देश ने तरक्की करी है, हमारे देश ने, और हमारे सब हर एक भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा उठा हो। कोई भी कार्य हो देश के प्रति या विकास कहीं भी, तो खूब हुआ। जो विपक्ष है वो लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों में भय का माहौल पैदा कर रहा है। उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, शायद लूट के। फालतू की बात है। इसकी वजह ये है कि आजकल जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, वो जनरेशन को चाहिए 9 to 5 कंप्यूटर के सामने इजी काम। शुक्रवार शाम को घड़ी देखना शुरू कर देंगे, शनिवार इतवार को छुट्टी, सोमवार को फिर वही टेबल में जाके बैठ जाएं, 2 बजे उनको चाय मिल जाए। मेहनत कोई करना नहीं चाहता, मेहनत करना चाहे तो बेरोजगारी है ही नहीं। लेकिन सबको क्या है, आजकल लोग 1-2 बच्चा पैदा करते हैं और वो ये चाहते हैं कि जो काम मैंने किया मेरा बच्चा नहीं करेगा। अब सबके लिए टेबल कुर्सी और एसी है और ये सब कहाँ से आएगा? आप छोटे तबके के जाके देखिए, कहीं काम ही मतलब आदमी नहीं मिलता। आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, आपका टैक्सी उठाने के लिए 500 रुपये मांगते हैं। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि लोगों को सबको इजी मनी चाहिए। ये बताओ मोदी जी के 9 साल कैसे लगे? अब तो 10 ही साल होने वाले हैं। क्या काम लगा अच्छा, और काम हुआ कि नहीं हुआ? बहुत काम हुआ है और सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। क्या अच्छा हो गया? क्या आप बताइए, क्या खराब हो गया आप बताइए, सवाल मेरा है। मैं कह रहा हूँ कि महंगाई जो बढ़ी है, लोग कह रहे हैं सिलेंडर का बड़ा एक एग्जांपल लोग पेश करते हैं। आप इस चीज़ पे मत जाइए, आप इस चीज़ पे जाइए कि हम लोग बहुत भाग्यशाली है, पैसे दे के भी हमें खाने को मिल रहा है। पैसे दे के भी खाने को मिल रहा है। दुनिया में आप घूम के आइए चारों तरफ, पैसे के खाने के लिए नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा, बाबू जी ने सीधा बेरोजगारी में बात काट दी, बेरोजगारी को सीधे इन्होंने खारिज कर दिया, महंगाई की बात पे सीधे इन्होंने आप पे बात डाल दी। ऐसी बात नहीं है, बेरोजगारी है मोदी के लिए। अब की बार दिल्ली बहुत दूर है मोदी जी के लिए, जो हाँ बहुत दूर है। जो जितने आपको जितने प्रचार दिख रहे हैं ना, जितने भी यहाँ पर लोग बोल रहे हैं, ये जो मीडिया के अंदर दिन रात 24 घंटे देख रहे हैं ना, वो दिमाग के अंदर इनका माइंड वॉश हुआ है, वो जो बोल रहे हैं अपने दिमाग से यहाँ कोई बातें नहीं कर। कौन आएगा फिर? मोदी नहीं आएगा, आएगा कौन? आएगा तीसरा विपक्ष आएगा। लेकिन क्या लगता है आपको, कौन सा नेता बढ़िया लगता है? मेरे को मायावती बढ़िया लगती है जी। हाँ जी, एकदम बिल्कुल करप्शन नहीं है, एक भी घोटाला नहीं उसमें। बस ये कह रहे हैं, आप महंगाई की बात करते हो, आज से 9 साल पहले मिनिमम वेज कितनी थी, आज की डेट में मिनिमम वेज कितनी है? लोगों की इनकम भी तो बढ़ी है, कोई आज की डेट के अंदर लेबर नहीं मिल रही। कहने की मायावती जी सबसे बढ़िया इनके। मायावती कहानी खत्म है, ताजिया दफा ने मायावती बढ़िया बताया रही। आज तक BJP विकास किया है और नरेंद्र मोदी भी किया है, लेकिन उनके समर्थन होना चाहिए। मोदी जी ने तो देश को बर्बाद कर दिया, गड्ढे में डाल दिया। नहीं डाला, लोग कहते हैं ना कि लोकल में करके ही करते हैं, लेकिन मोदी जी अच्छा किए हैं, जो भी कर रहे हैं, हर गरीब को भी हर शिक्षा दे रहे, हर चीज कर रहे हैं। लेकिन ये रह गया कि आज तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, देश के विकास भी नहीं किया। आज से अच्छी वेपन ला रहा, बॉर्डर पे लड़ने के लिए सब के लिए ला रहा। तो में कैसा काम किया? 9 साल बेमिसाल एक और बार मोदी सरकार। कह रहे हैं कि तानाशाही बहुत है, ED CBI का दुरुपयोग करते हैं। तानाशाही तब नहीं थी जब 1.5 साल की इमरजेंसी लगा दी थी देश के अंदर। तानाशाही तो वो भी थी,
अभी तक 9 साल में कौन सी इमरजेंसी लगी है देश के अंदर? सब बढ़िया चल रहा है, सब चंगा सी। अरे आप देखिए, चुनाव प्रचारों के लिए वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में विपक्षी पार्टियों को जाने नहीं दिया जाता। तानाशाही उसे कहेंगे या तानाशाही जो सब स्वतंत्र है, आबाद है, अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वो होगा तानाशाही? ये तो खुद सोचने की बात है, सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है कि तानाशाही कहाँ पर है। तानाशाही तो अपनी इंदिरा दीदी जी लगा के गई थी 1.5 साल की, जहाँ पे प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई थी, बच्चों की नौकरियाँ चली गई थी, घरों से निकलना बंद कर दिया था। किस डर से लगाई थी तानाशाही वो एमरजेंसी? क्या भय था कि उनकी जो एक गठबंधन से डर गई थी, उनको सत्ता छीनने का डर था, इसलिए उन्होंने अपना दाव फेंका वहाँ पे और तानाशाही का रुख अपनाते हुए एमरजेंसी लगाई देश के अंदर। तानाशाही से कहेंगे। राहुल गांधी जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप उनका यूट्यूब चैनल जब आप खोलेंगे तो आपको हर वीडियो मिलेगा, कभी वो टमाटर वाले से, सब्जी वाले से, पंचर वाले से मिलते हैं और गरीबों के लिए एक से एक स्कीम वो बोलते हैं कि हम आपको 5,000 रुपया देंगे, हम आपको ऐसे देंगे। तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं लोग उनसे कनेक्ट होंगे और उनकी तरफ उनका कुछ रुख भी जा सकता है? अच्छा भैया जी, पता है टू बी ऑनेस्ट, मैं राहुल गांधी की प्रोफाइल कभी ओपन नहीं करती। इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहती हूँ, वहाँ पे मैं मीम्स देखती हूँ उनकी, जो कहते हैं ना आटे को लीटर के भाव में, और जो लीटर का केजी, केजी का लीटर, आलू का सोना, ये सब चीज़ें जो आती है, जो कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ बस उनके। और एक आध बार आई थिंक मीम पेजेस पे ही मैंने देखा कि वो फार्मर्स के बीच गए ट्रैक्टर चलाते हुए, सफ़ेद वस्त्र धारण किए, आसपास के लोगों पे कीचड़ लगाए, उन पे कीचड़, क्या कीच भी नहीं आया, इतनी सी भी चीज नहीं थी, और अपने राहुल गांधी जी लोगों से मिल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। चले अच्छा है, एक वक्त पे वो कनेक्ट कर सकते थे, पर अब उनका कनेक्शन डिसकनेक्ट ही होगा जनता के बीच, अब नहीं बना पाएंगे वो अपना। कह रहे कि मोदी जी की सांसें फूल रही हैं उनका जलवा देखकर। मोदी जी की सांसें कहां फूल रहे भाई साहब, आप कुछ सोचिए, जब मोदी जी ने दहाड़ना शुरू किया सदन में तो सबके सब भाग उठे, राहुल गांधी अपनी पूरी सेना ले गए, चलिए भैया चलिए यहाँ से। मोदी जी ने अपने वक्त तो सारी बातें सुनी थी ना, लेकिन जब उनने बोलना शुरू किया तो वहां से राहुल जी अपनी इंडिया लेके चले गए सारी, सॉरी इंडिया तो मैंने गलत बोल दिया, माता का अपमान कर दिया, INDIA सब लेके पहुंच गए वो बाहर, कि चलिए बाहर का रुख अपनाते हैं। राहुल गांधी जी ऐसे टक्कर देंगे क्या? जो डट कर खड़ा हो तब कहा जाए टक्कर, वो तो वहीं पे उठ के चले गए। तो जो गठबंधन बना है तो इसको भी लोग दिल से नहीं अपनाएंगे। हाँ, मोदी जी को तीसरी बार क्यों भरोसा करें भाई? मोदी जी ने तीसरी, देखिए अर्थव्यवस्था की बात करिए, ग्लोबल स्टेट पे विश्व गुरु बन रहा है अपना देश। तो यहाँ के गरीबों को क्या फायदा है? लोग पूछते हैं कि गरीब आदमी को क्या फायदा है, बाहर तारीफ भारत की होती है, यहाँ गरीब को क्या फायदा है? देखिए गरीब की बात जहाँ तक रही तो एक उदाहरण दिया जाता है, सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, गरीब कभी भी अपने आप को गरीब नहीं कहता, वो जितना उसके पास रहता है वो संतुष्ट रहता है। मैंने भी बहुत गरीबों से कनेक्ट करा है, तो वो फिर भी वही कहते हैं कि हम मोदी जी को देंगे।